अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D जेम विजन मैट्रिक्स 9.0 की क्लास नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स, स्वीप 1 एंड स्वीप 2। बेसिकली ये वो दो कमांड हैं जो आप 75% इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और ये कमांड तकरीबन हर चीज़ में, हर मॉडल का बनाने में काम आता है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं ज्वेलरी की सबसे बेसिक मॉडल की, जो कि अंगूठी, जिसे हम कहलाते हैं, ठीक है ना। स्वीप 1 और स्वीप 2 की कमांड सीखने के लिए हम अंगूठी बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने स्नैप्स ऑन करूँगा और ये डिसेबल कर दूँगा। अब मुझे स्नैप्स के इफ़ेक्ट चाहिए होंगे तो मैं आल्ट को होल्ड कर दूँगा और इसके स्नैप्स के मेरे इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अगर मुझे चाहिए होंगे तो। मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ डिसेबल रखता हूँ पीछे हर चीज़ इस स्नैप्स को, ठीक है ना। तो अंगूठी बनाने के लिए यहाँ पे आता है रिंग रेल। रिंग रेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम रीजन की अंगूठियों के साइज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली USA इस्तेमाल किया जाता है, आप रीजन सेट करें और फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिंग साइज़ आ गए। मैं 8 नंबर अंगूठी का चूज़ कर रहा हूँ, क्लिक किया और इसे ग्रीन एरो को यहाँ पर दबाएंगे और इसे ओके कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर की प्री मेड कमांड्स होती हैं आपके काम को और आसान करने के लिए, ठीक है। ये आपकी रिंग रेल आ गई, ठीक है ना। अब इस पर F6 दबाएंगे, F6 से कुछ कमांड सामने आ जाएंगी। F6 आपका शॉर्टकट है मेन्यू का, जो आप इस कर्व को लेके, इस रेल को लेके आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्वीप 1 के लिए या स्वीप 2 के लिए हमें प्रोफाइल्स की ज़रूरत होती है। प्रोफाइल्स वो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेल क्या होती है, ठीक है ना। रेल होती है एक ट्रेन की पटरी समझ लें, और जो प्रोफाइल होती है वो ट्रेन के डब्बे। अब जिस तरह का शेप होगा ना, उस तरह की ये पूरी सॉलिड मटेरियल बनेगी, रेल बनेगी, ट्रेन बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आग डायरेक्शन कमांड उठाई और ये मैंने एक प्रॉपर आर्क बनाया, ठीक है ना। और इसको कर्व स्ट्रेट से लेके क्लिक करके मैंने इसको एक क्लोज कर्व बनाई एक शेप की और इसे जॉइन कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम रोटेट करके इसको हम मूव करेंगे। मैं आल्ट दबा रहा हूँ होल्ड करके, तो ये स्नैपिंग काम कर रही है। आल्ट छोड़ देंगे तो ये स्नैपिंग छूट जाएगी। होल्ड करके क्लिक करके और यहाँ पे मिड, जो ये स्नैपिंग हमारी ऑन है, तो ये ऑटोमेटिक आप आल्ट को होल्ड करके रखें और यहाँ पे ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह पकड़ लेगा, उठा के यहाँ पे रख दें माउस को, ठीक है ना। ये स्नैप कर लिया इसने, ओके कर देंगे, ठीक है ना। अब ये आ गई आपकी रेल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ट्रेन का डब्बा, ठीक है ना, और ये ट्रेन की पटरी। ये मैं अपनी ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर के तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़बान है, जो मुझे उर्दू में जिस तरह समझाना मेरा काम है, आपको आसान ज़बान से सॉफ्टवेयर को पूरा मैं समझाऊँ, ठीक है ना। अब स्वीप 1 कमांड लेंगे, ठीक है ना। अब वो मांग रहा है क्रॉस सेक्शन कर्व। क्रॉस सेक्शन कर्व मतलब ये रेल कहलाती है। आपको इसे ओके कर लीजिए और राइट क्लिक दबा के एंटर कर लीजिए, और ये एरो आ रहा है कि इस डायरेक्शन से उठा के ये रेल बनाएगा, उसको ओके कर दीजिए और ये आपकी एक सिंपल सी अंगूठी तैयार हो गई, ठीक है ना। अब इस तरह इस ये जो शेप बनाया था मैंने, उस शेप को उठा के इसने इसको एक पटरी के तौर पे इस्तेमाल किया और उसने पूरे पे जहाँ जहाँ ये कर्व थी उसने ये स्वीप 1 इस्तेमाल कर दिया। ध्यान रहिए कि स्वीप 1 अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे ना तो ये रेल आपसे मांगेगा, तो मैंने पहले ही रेल सेलेक्ट करके ये कमांड इस्तेमाल की, तो डायरेक्ट इसने क्रॉस सेक्शन कर्व बनाया, ठीक है ना। इसी तरह एक और प्रोफाइल बनाएंगे, इस बार कॉम्प्लिकेटेड, थ्रू फिंगर पे गए, ठीक है ना, इस बार साइड व्यू पे चले जाते हैं, ठीक है। इस कर्व को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ रेल को, ठीक है ना। एक लकीर खींच ली हमने कर्व से, F4 दबा के और इसे बीच में कर दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्केल कर देता हूँ, ठीक है ना। अब एक पैटर्न वाली
एक पैटर्न सा शेप बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से मिरर करूँगा, एक रफ सा मैं शेप बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मिरर कर देंगे, ठीक है ना। ये जो बाहर निकल रही है इसको हम ट्रिम कर देंगे, यहाँ से ट्रिम कमांड, ट्रिम करके एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें, यहाँ से भी हमें ट्रिम करना पड़ेगा, इसको ट्रिम करके। अगर आप ट्रिम नहीं करेंगे तो ये कभी ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन के लिए आपको चाहिए पॉइंट टू पॉइंट मिलने चाहिए, ये इसके पॉइंट है और ये इसके पॉइंट है। F10 मैंने हॉट की रखी हुई है पॉइंट्स के लिए। अगर आपको कमांड लगानी हो तो यहाँ से पॉइंट्स ऑन कर दें आप, ठीक है ना। पॉइंट्स ऑन करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए। तो कोई भी कर्व क्लोज करने के लिए हमें दो कर्व को एंड को मिलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिम कर रहा था। ट्रिम पे क्लिक किए और ये अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अभी हमने एक पैटर्न सा बना दिया, ठीक है ना। अब इसको एज अ क्रॉस सेक्शन कर्व हम यूज़ करेंगे। हमने जो रियल हाइट की हुई थी ये शो करें, ठीक है ना। अब इसको मूव करें होल्ड आल्ट दबा के, ठीक है ना। होल्ड आल्ट इसलिए दबा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से स्नैप को बंद किया था। अगर मैं ऑन कर दूँ तो आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है ऑल्ट, ये ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन मैं इसे ऑफ रखता हूँ और मुझे स्नैपिंग चाहिए होती है तो मैं आल्ट दब आल्ट होल्ड करता हूँ ना। मूव पे क्लिक करें, यहाँ से मूव करें और ये होल्ड आल्ट होल्ड को आल्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे स्नैप कर लिया और क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से ये चिपक गया। अब Sweep1 यूज़ करेंगे और ये क्रॉस सेक्शन कर्व मांग रहा है। और ये प्रोफाइल यूज़ करके या क्रॉस सेक्शन कर्व यूज़ करके, दोनों एक ही मतलब है। ओके कर दीजिए, ये एरो यहाँ पे आएगा। और इसने जिस तरह नाजरीन देख रहे हैं आप कि ये एक पूरा खूबसूरत सा इसने पैटर्न बना दिया। जो ऐसी आप बनाएंगे प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को एज अ क्रॉस सेक्शन कर्व यूज़ करके आप कोई भी शेप की अंगूठी बना सकते हैं। अब आती है Sweep2, ठीक है ना। आल्ट को होल्ड करके ऐसे मूव करें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब Sweep2 के क्या मतलब है, Sweep1 के लिए आपको एक रेल चाहिए होगी और Sweep2 के लिए आपको दो रेल चाहिए होंगी जी। दो रॉयल के लिए कमांड उठाएं, कोई सी भी बना दें। मैंने यहाँ पे आग डायरेक्शन यूज़ की हुई है। एक रेल पे आप स्नैप कर दें और दूसरे रेल पे आप स्नैप कर दें, ठीक है ना। और इसको कोई भी शेप बनाएं। Sweep2, अब Sweep2 के लिए टू है तो दो रेल, Sweep1 है तो वन रेल। दो रेल को यूज़ करके Sweep2 यूज़ करें। पहले ये दो रेल को सेलेक्ट करें Sweep2। अब ये क्रॉस सेक्शन कर्व मांग रहा है, ठीक है। और इसे एंटर कर दें। अगर मल्टीपल क्रॉस कर्व हैं तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको ओके कर दीजिए और ये टू रेल को मिला के एक सरफेस बन गई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये क्लोज होती तो ये क्लोज सरफेस बनती, लेकिन ये ओपन कर्व थी तो ये ओपन सरफेस बनी है। ये फ़र्क होता है क्लोज और ओपन का, ठीक है ना। Sweep2 का ये फ़ायदा है, थ्रू फिंगर पे गए और यहाँ पे एक अगर स्ट्रेट लाइन हम लगा देंगे दोनों प्रोफाइल के रेल के बीच में, और Sweep2 यूज़ करेंगे इस बार दो अलग अलग प्रोफाइल या क्रॉस सेक्शन यूज़ करके। क्रॉस सेक्शन के लिए ये वाली प्रोफाइल को यूज़ किया, सॉरी Sweep1 चल रही है, Sweep2 यूज़ करके पहले ये वाली प्रोफाइल को यूज़ किया और फिर ये वाली प्रोफाइल को यूज़ किया। एंटर करके एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ से राउंड में चलते चलते ये अपने हिसाब से ये बैठता गया और एंड में जो हमने एक स्ट्रेट कर्व लगाई थी प्रोफाइल यूज़ करने के लिए, तो ये एक स्ट्रेट में तब्दील हो गई। Sweep2 का ये फ़ायदा है कि आप अपनी तरफ से जितने भी यहाँ पे डिफरेंट शेप्स की आप अगर प्रोफाइल यूज़ करना चाहें और ये कमांड लगा दें तो ये ऑटोमेटिकली को कैलकुलेट करके आपको एक प्रोफाइल या एक सरफेस बना के देगा जैसी आपने प्रोफाइल बनाई हुई होगी। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि है ना ये जितना ऊंचा आर्क बना हुआ है नीचे इतना कम आर्क हो,
या फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऊपर ये राउंड में है तो नीचे हमें स्क्वायर की प्रोफाइल बनानी है। मिरर F4 टू सेंटर और शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ ये कॉपी हो गया, मिरर हो गया, ठीक है ना। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच ले दोनों के दरमियान, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ से राउंड हो और नीचे जाके स्क्वायर में चली जाए, तो हम स्वीप टू यूज़ करेंगे और स्वीप टू और क्रॉस सेक्शन कर्व पे लिए वाला और सेकंड ये स्क्वायर वाला, ओके कर दीजिए। अब ये देखें यहाँ से इसने शुरू किया राउंड शेप में, क्योंकि हमने राउंड प्रोफाइल यूज़ की हुई थी, और चलते 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 इसने ऑटोमेटिकली क्लिक कैलकुलेट करके नीचे तक ये स्क्वायर में लेके आ गया। सो बेसिकली नाजरीन, प्रोफाइल का काम यही है कि आप जैसी भी शेप आपको बनानी हो, ठीक है ना, उसका आप कोई भी प्रोफाइल लें और उस हिसाब से उसका शेप बन सकता है। ऑफसेट कर्व लेने से एक और कर्व है काम की, ऑफसेट कर्व, ऑफसेट सॉरी, और ये डिस्टेंस मांग रहा है 0.5 का, ठीक है 0.5 का। अब यहाँ पे आर्क डायरेक्शन यूज़ करके आप यहाँ से इसको रोटेट कर दें, रोटेट 3D, एक पॉइंट पकड़ें, दो पॉइंट पकड़ें और स्नैप करके ये आपका रोटेट 3D हो गया। रोटेट 3D, दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ये इस कमांड से आप कोई भी रोटेशन 3D पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। अब ये कहाँ से स्नैपिंग का पकड़ना है, अगर आपको यूं स्नैपिंग पकड़ना है शिफ्ट दबा के, ठीक है ना, ये साइड लेके आपको घुमाना है। आपने ये साइड लेके क्लिक किया और ये आपको बता रहा है कि ये घूम गया। इसी तरह हमने दोनों कर्व को सीधा कर दिया। अब इनमें स्वीप टू यूज़ करें, स्वीप दो का, और इसी तरह आपने एक शेप बना लिया सांप की शक्ल का प्रोफाइल यूज़ करके। तो मेरे दोस्तों, क्लास को मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, और इसके साथ साथ कुछ और सरफेस की कमांड्स हैं, लॉफ्ट हो गई या कर्व नेटवर्क हो गया, लेकिन अब वो कमांड जब जब मैं मॉडल बनाऊंगा आगे क्लासेस में तो मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रैक्टिस करें आप लोग ये दो कमांड यूज़ करके, और कोई भी शेप की अंगूठी आप बना सकते हैं। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप F6 दबा के, सॉफ्टवेयर की प्री मेड प्रोफाइल्स होती है, F6 दबा के एड प्रोफाइल क्लिक करें और यहाँ पे एक सेक्शन खुल जाएगा, और एज प्रोफाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे मल्टीपल शेप्स आ सकते हैं, तो आप इनको मल्टीपल शेप यूज़ करके या ग्रीन एरो पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपको, कितनी आपको विड रखनी है, कितनी आपको हाइट रखनी है, या आप चूज़ करके और प्रैक्टिस कीजिए Sweep1 की और Sweep2 की, क्योंकि ये कमांड आपको बहुत यूज़ में आने वाली है। ओके, इसके साथ साथ मैं इजाज़त मांगता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी ये क्लास। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।